व्यूअर्स देसी दस्तरखान बिल्कुल लज्जा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए समर स्पेशल में बहुत ज़बरदस्त सुपर टेस्टी फालसा मॉकटेल लेकर आई हूँ। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी हमारी आज की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। मॉकटेल बनाने के लिए मैंने ये हाफ के जी फालसा लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छान लिया था और ये हमारी अच्छी सी जो पेस्ट है वो तैयार हो चुकी है। और इसको आप लंबे अरसे के लिए किस तरह स्टोर कर सकते हैं, इसकी रेसिपी का जो लिंक है वो मैं आपको ऊपर दे दूँगी और आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। फालसा मॉकटेल बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पेस्ट, ये जो हमने तैयार की है फालसे की, ये मैं कम से कम 2 से 3 टेबलस्पून लूँगी। आप हसबे ज़रूरत इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद लेमन के स्लाइसेज हैं वो ऐड कर लूँगी। साथ ही हम फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर लेंगे। ये मैंने 4 से 5 अदद ली हैं पत्तियाँ, इनको हम ऐड कर लेंगे। और इसके बाद 1/2 टीस्पून मैंने लिया है पिंक सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं काला नमक भी कहते हैं, ये मैंने लिया, इसको ऐड कर लिया है। और साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी शामिल कर दूँगी। 1/2 मैंने लेमन जूस लिया है, ये मैंने आइस क्यूब डाले हैं, ये भी आप हसबे ज़रूरत इनको ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के मैंने फालसा लिया, इसको भी हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं और डालूँगी। मॉकटेल बनाने के लिए मैंने 7 अप ली है, आप कोई भी सोडा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा फालसा मॉकटेल हो चुका है तैयार। आप देखें कि इसकी लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत आई है, ये बहुत ज़बरदस्त सुपर टेस्टी तैयार हुआ है और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और समर स्पेशल रेसिपी है ये, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा आप इसको इंजॉय करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द एक और ज़बरदस्त सुपर टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।